बुधवार के दिन गांधी जी की 150वीं व लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत भवनों में उनके चित्र पर पंचायत प्रतिनिधियों प्रतिनिधियों द्वारा पुष्प चढ़ाया गया। तत्पश्चात पंचायत के विकास के लिए आम सभा कर योजनाओं का चयन किया गया और गांधी जी के सपनों को साकार किया गया। सभी जन प्रतिनिधियों ने शपथ लिया कि पंचायत सहित वार्ड को स्वच्छ रखेंगे तथा प्लास्टिक के थैले का उपयोग नहीं करेंगे। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान को ध्यान में रखते हुए अबजुर से बने झोला व कपड़ा से बना झोला का प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर मझोलिया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार सहित वार्ड सदस्य सेवरिया पंचायत के मुखिया रब्बी देवी, माधोपुर पंचायत मुखिया मीरा देवी, गुदरा मुखिया देवा सरल प्रसाद, सरिसवा मुखिया सोहन साह, नौतन खुर्द मुखिया सुरेन पास सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत के भवन परिसर में मुखिया की अध्यक्षता में आम सभा हुई, जिसमें सभी वार्ड सदस्यों के साथ पंचायत के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया बिहार। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर बाल उद्यान सहित अन्य संबंधित स्थलों पर बापू वंदना माल्यार्पण का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप बाल उद्यान में 9 बजे सुबह बापू वंदना का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर स्वामी हरिदास संगीत महाविद्यालय से संबंधित छात्राओं द्वारा बापू के प्रिय भजन की मधुर आकर्षक प्रस्तुति की गयी। बापू वंदना आयोजन से पूर्व जिलाधिकारी रमण कुमार, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा, उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी और जिला के लोक निवारण पदाधिकारी रविंद्र चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट, बिहार। गौनाहा प्रखंड के पंचायत राज धमोरा में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई और आम सभा हुई। में शामिल लोग धमोरा के मुखिया राम बिहारी महतो और 14 वार्ड की महिला पुरुष और पंचायत के सेविका द्वारिका प्रसाद जितेंद्र लेखपाल और गन्ना सहायक श्री भानु महतो, पंचायत रोजगार सेवक वीरेन चौधरी तथा सरपंच केदारनाथ चौधरी शामिल रहे। 1869 में जन्म हुआ है, आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए हर जगह 2 अक्टूबर के जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग 2 अक्टूबर के आज जो भी पारित होगा, जिसे 1 नंबर पंचायत सचिव को है, जो भी काम जरूरी जो वार्ड में है, 1 नंबर उसी को देना है, छोट हो चाहे बड़ा हो, और उसके बाद नंबर से जो भी अभी गलती सही जो पंचायत में चल रहा है, जैसे जो राशन कार्ड किसी को कट गया है, सचिव साहब बहुत सा मुद्दा है पंचायत में, राशन कार्ड गरीब को कट गया है, कहीं के जुट गया है, कहीं क्या हो गया है, सबके सुधार हम सब डीलर को भी बुलाए हैं, जिसका जिसका गलती हुआ है सबको कहना है कैसे कट गया है, राशन कार्ड ले लिया है और उसका राशन कार्ड कट गया है। इसलिए पंचायत में जो भी है राशन कार्ड है, जैसे शौचालय वाली है, जो पैसा दे के कहीं करा लिया है, पैसों दे के नहीं हुआ है, जबकि 1 रुपया नहीं लगता है। सुन रहा जाओ पहले तो हर मुद्दा पर विषय आज 3 मीटिंग होगा सचिव साहब, 3 गो मीटिंग होगा, आम सभा और उसके बाद ग्राम सभा, हर ग्राम सभा होगा, उसमें जो जो मनी काम करना है वो मुद्दा देना है, जो भी गलती सही उसमें कहना है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया में नवनिर्मित मकान में 30 वर्षीय युवक प्रकाश प्रसाद पोखरिया निवासी के गर्दन पर धारीदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वही घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया। वहीं लोगों की माने तो प्रेम प्रसंग में युवक को मौत के घाट उतारा गया है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे हुआ, 11 बजे रात को इनको फोन करके बुलवाया गया है। कौन अब इतना पता नहीं है, मोबाइल नंबर भी ले लिया है, मोबाइल भी ले लिया है। किसी पे शक है? शक तो हम लोग का अभी नहीं है, लेकिन क्या नाम हुआ इसका, क्या नाम हुआ? प्रकाश। प्रकाश। घर घर कहाँ है? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ग्राम सभा का जायजा लेने हमारे टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ रंजन शर्मा पहुंचे। मुखिया श्रीमती मीरा देवी अस्था रहे ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत के सभी सरकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधि एवं पंचायत के सभी नागरिक से हमारे संवाददाता रंजन शर्मा ने बारी बारी से बात करते हुए पंचायत सरकार भवन का जायजा लिया, जो काफी अच्छा देखने को मिला। मुखिया महोदया ने बताया कि आज के सभा में निम्न प्रकार की योजना है, जिसमें हमारे पंचायत के सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा और पूर्व से बहुत सारे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जैसे शौचालय,
सात निश्चय पीसीसी का कार्य वार्ड 2, 6, 8, 13 नल जल योजना वार्ड 1, 3, 6, 7, 8 ये सभी कार्य को पूरा कर लिया गया है, शेष कार्य चल रहा है। वही उपस्थित ब्लॉक फैसिलेटर राजेश पासवान, पीआरएस शशि भूषण कुमार, कार्यकारी असिस्टेंट नवीन कुमार, पंचायत सचिव राम बालक राय आदि मौजूद रहे। मेरा नाम राजेश पासवान हुआ, ब्लॉक फैसिलिटेटर के तौर पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से मैं यहाँ ग्राम सभा का आयोजन अवेयरनेस करवाता हूँ, आयोजन करवाता हूँ। आज स्पेशली महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर आज ग्राम सभा का विशेष तौर पर आयोजन किया गया, जिसमें सारे लोग उपस्थित हुए, प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए और यहाँ की पंचायत सरकार भवन से रिलेटेड जितने सारे स्टाफ थे सभी लोग उपस्थित हुए और मैं इन लोगों का काफ़ी सराहनीय पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्या यहाँ जब से आप कार्यरत हैं जी और तब से लेकर अभी तक कुछ यहाँ आपके आने के बाद परिवर्तन देखा गया? काफ़ी परिवर्तन है और सब लोग मोटिवेट भी हैं, सारे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। जिनका जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आवास सहायक का जो भी प्रॉब्लम है, उनसे संबंधित जो भी कागज आते हैं उनको कहते हैं कि भाई इनका देख लीजिए आप। और आरटीपीएस काउंटर पर हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी रहते हैं, अपना कार्य करते हैं। वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत जो भी फॉर्म आता है उनको बोलते हैं कि आप इनका कार्य देख लीजिए। और इसी तरह से किसान सलाहकार विकास मंत्री सारे स्टाफ यहाँ अपना नियमित रूप से ड्यूटी करते हैं। आपसे यहाँ के जो महोदय मुख्य मीना देवी है, इससे कैसा संबंध रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी हम लोग को सराहते हैं, सराहना पूर्वक उनका कार्य है और यहाँ तक कि जनता है जो भी है उनसे काफ़ी मोटिवेटेड है और सब लोग उनको सराहते हैं, कार्य को सराहते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुखिया जी भी हैं, वो सभी लोगों को मिली जुली और जो भी है हर किसी का मोटिवेशन से यहाँ हर चीज़ मतलब सर समय कार्य होता है, निष्पादित होता है। हम लोग भी काम में अपना समय दे पाते हैं और अच्छा तरह से हो पाते हैं काम में। शुक्रिया। चलिए यहाँ के मुखिया जी से बात करना चाहते हैं कि क्या आप कुछ बताइए, आज गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभा आपने लगवाया, इसमें क्या विशेषता है? विशेषता तो जो गांधी जी हम लोगों के लिए स्वच्छता के लिए दिए थे इसी पर आज लगाया गया 2 अक्टूबर को। और हम लोग प्रयास रखते हैं कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि सब मिलके और सभी जनता को जहां तक जो सुविधा हो दे सकें और स्वच्छता के बारे में बता सकें। इस पंचायत सरकार भवन में जितने भी कर्मचारी हैं, जो कृषि संबंधित हो या न्याय संबंधित हो या विकास संबंधित हो, इस सबसे आप खुश हैं? जी जी, बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जी जी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रंजन शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर घटो ओपी थाना द्वारा काचा से समस्तीपुर जाने वाले मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, को लेकर गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया। हमारे संवाददाता रंजन शर्मा ने वाहन चेकिंग पदाधिकारी SI उमेश तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हेलमेट, गाड़ी संबंधित कागजात और डिक्की को चेक किया जाता है। वही जुर्माने की राशि के बारे में भी कहा और अभियान चलाने के बाद गाड़ी मालिक से पहले की अपेक्षा काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। मेरे साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर तिवारी जी हैं, चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं जो ये अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें किन किन कागजातों का चेकिंग किया जा रहा है। सर बताइए। एक्सीडेंस प्रदूषण और हेमलेट और DQ की चेक करते हैं हम लोग जी, ये कोई अवैध सामान ले नहीं जाए जी, यही सब हम लोग चेक करते हैं। सर ये अभियान चलाने के बाद जो है सर वाहन मालिक में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? जरूर मिल रहा होगा, जरूर मिल रहा होगा। जिन लोगों के पास ये कागजात नहीं रहता उसको फाइन किया जाता है, मैक्सिमम फाइन कितना किया जाता है सर? TV1 इंडिया न्यूज के लिए रंजन शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार। पटना में विगत दिनों में प्रलयकारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति से परेशान आमजनों ने जगह जगह नेशनल हाइवे सिपारा के पास और शहर की हार्ट लाइव लाइन दीघा आशियाना रोड पर राजीव नगर नाला के पास रोड जाम कर नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सुशील मोदी मुर्दाबाद का नारा लोगों ने खूब लगाया। लोगों में इतना गुस्सा देखने को तब मिला जब एक एम्बुलेंस को भी रास्ते से वापस हो जाना पड़ा। शहर में वाटर लॉगिंग के कारण महामारी की अब स्थिति बनती दिख रही है। मौके पर मौजूद बल जनता के बीच विवश नजर आए, आने जाने वाले राहगीरों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट, पटना।
जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मुजफ्फरपुर समाहरणालय के समक्ष महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह कर एक दिवसीय उपवास किया गया। महात्मा गांधी जी अमर रहे का नारा लगाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने मीडिया को बताया कि भ्रष्टाचार के विरोध तथा बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन अब तक की इसकी जाँच नहीं की गयी है। आवाज उठाने वालों पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर सरकार को जगाने के लिए एक दिवसीय सत्याग्रह और उपवास किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कार्यक्रम के बारे में बताइए क्या है। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एवं बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार की रही है। बावजूद इसके इसकी कोई कमेटी के द्वारा जांच नहीं कराई गई एवं उल्टे इस कार्यक्रम में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिनकी लगातार लिखित रूप से DM से लेकर के प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचित की जा रही है, लेकिन वो कान में तेल रख करके सोए हुए हैं, चैन की निद्रा में हैं। इन कुंभकर्ण निद्रा को जगाने के लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी IT सेल के द्वारा गांधी जयंती के 150वीं समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह और उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चलाई गई सभी योजनाओं की पूरे जिले के 16 प्रखंड की जांच कमेटी गठित कर जिला कमेटी के द्वारा एवं इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कराई जा सके, ताकि आज इस महात्मा गांधी के इस 150वीं जयंती समारोह पर यह हमारा जिला और राज्य यह समझ सके कि बिहार सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है या विकास की कार्य कर रही है जिनका नाम सुशासन है। इसी सब विषयों को लेकर के आज हमारी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी पूरे क्षेत्र में बाढ़ की महामारी से लोग त्रस्त हैं और वोटर लिस्ट खोज करके सत्ताधारियों दल के सदस्यों की जो लोग सूखे में हैं उन्हें राहत पहुंचाया जा रहा है और जो लोग पानी में डूबे हुए हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और सरकार इस बाढ़ राहत के नाम पर उत्सव मनाने का काम कर रही है, जिसकी हम सभी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर बिहार। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर L&T की NSS इकाई NSS ग्रुप लीडर रविकांत पांडे के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री एवं वर्तमान सांसद माननीय राधा मोहन सिंह के साथ महात्मा गांधी मार्ग मोतिहारी में सफाई अभियान, गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि, चरखा पार्क के निकट गांधी शिलालेख, दर्शन स्टेशन पर आयोजित समारोह, पद यात्रा आदि कार्यक्रमों में L&T कॉलेज के NSS वॉलंटियर्स ने भाग लिया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर L&T कॉलेज NSS वॉलंटियर्स महात्मा गांधी के स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करने में हमेशा आगे रहती है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक रोध के सिद्धांत के लिए उन्हें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक है। गांधी जी के बारे में प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हार्ड मास से बना ऐसा कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। आज के कार्यक्रम में NSS वॉलंटियर्स अनवर आलम, लुकमान आलम, रूपम कुमारी, जासमीन श्रीवास्तव, मोनू खान, अमन मिश्रा, रितेश, संतोष आनंद, पप्पू कुमार आदि वॉलंटियर उपस्थित थे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट, मोतिहारी। पश्चिम चंपारण जिला में विगत हुए ATM मशीन की चोरी की घटना में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए अपराधी उक्त कांड की पुष्टि करते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि चनपटिया थाना के अंतर्गत टिकुलिया चौकी स्थित भारतीय स्टेट बैंक ATM मशीन में 20 लाख रुपया था, जो अज्ञात अपराधी द्वारा चोरी कर लिया गया तथा 25 सितम्बर 2019 को सूचना प्राप्त हुई कि शिकारपुर थाना के अंतर्गत धूम नगर में इंडियन बैंक का ATM मशीन जिसमें 2.5 लाख रुपया था को अज्ञात अपराधी द्वारा चोरी कर लिया गया है। दोनों घटनाओं की
सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर बेतिया पंकज कुमार रावत के नेतृत्व में घटना में शामिल अपराधियों को चोरी की राशि की बरामदगी के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम के सदस्य द्वारा इस प्रकार की घटित घटनाओं के हर पहलू पर कार्य करते हुए काफी मशक्कत के बाद 1 अक्टूबर 2019 को घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके निशानदेही पर चोरी की दोनों एटीएम मशीन पर 12 लाख रुपयों को बरामद किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अपराधियों द्वारा पहले से एटीएम मशीन का रैकी में किया जाता है और उसके बाद गैस कटर से काट कर जल्द भाग जाते हैं। अपराधियों में अशोक शाह, मंटू शाह, रामाकांत महतो, उमेश कुमार व श्रवण कुमार हैं। उक्त सभी अपराधी बैरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनकी गिरफ्तारी क्रम में एटीएम मशीन चोरी के 12 लाख रुपया, 3 लोडेड देसी कट्टा, 1 गैस सिलेंडर, 5 गैस कटर आदि सामान बरामद किए गए। पटियागंज में जो एटीएम की चोरी हुई थी, जिसमें चनपटिया में 22 लाख और एक में 2.5 लाख रुपए की बात बताई गई। एसपी बेतिया एक टीम बना कर करके इसमें काम किए, सफलता प्राप्त हुई और इसमें जो उसका सरगना था रामाकांत महतो, वो फुलवारी में भी एटीएम का ऐसा ही घटना कर चुका था और जेल में बंद था, जो 1.5 महीना पहले छूटा था वो, और उसी का गांव के आसपास के लोग एक टीम बना करके ऐसा काम करते थे। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी यह रहता था कि गाड़ी एक तय करते थे जो मिला हुआ रहता था और टीम में खंती बांस वगैरह ले करके एटीएम को सुनसान में पा कर कर उसको आगे से ऐसा बांस लगा देते थे कि वो थोड़ा टेढ़ा हो जाए और पीछे से धकेल देते, जिसके चलते एटीएम गिर जाता था और फिर धीरे धीरे करके गाड़ी में लोड कर करके सुनसान जगह में ले जा करके उसका बहुत ही बारीकी के साथ पैसा निकाल करके ये काम करते थे, जिसमें एक एटीएम मशीन को नहर में फेंक दिए थे जो जेसीबी मशीन से निकाला गया और एक फेंकने में कामयाब नहीं हो सके। और यह टीम बहुत अच्छा काम किया, जो इसने जो काम किया उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। डिटेल्स में क्या क्या रिकवरी हुआ है दिया हुआ है, ऐसे आपके सामने रखा हुआ है पैसा है। जो एटीएम का पैसा था उसमें से 14,85,000 है कुछ आम से और भारी मात्रा में मोबाइल मिला है और इस मोबाइल विभिन्न जगह से ही पाँचों के यहाँ से मिला है और इसमें और पैसे की रिकवरी के लिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया, बिहार। विद्यांचल व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान CCH में प्रवेश। यह 1 वर्ष का कोर्स है। एलोपैथी चिकित्सा कार्य करने हेतु संपूर्ण भारत में मान्य। संस्था का संपर्क नंबर 9926581330, दूसरा नंबर 9826521245।